बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व यल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जब परिपथ में प्रतिरोध आर प्रेरकत्व यल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब देखते हैं कि परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी और परिपथ का परिणामी विभवांतर कितना होगा और इसमें फाइनल वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर कितना होगा और इसका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कितना होगा। तो ऐसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक प्रेरकत्व है और ऐसे एक संधारित्र सी है और इस तरह से एक एसी सोर्स से जोड़ दिया गया। एसी सोर्स भी इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, यह है रेजिस्टेंस आर, प्रेरकत्व एल और कैपेसिटर यानी संधारित्र सी। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो तीनों में ये तीनों हमारे पास जो इंडक्टेंस है आर है एल है सी है, इन तीनों में समान धारा बहेगी आई। अब इसके प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी आर और प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी एल और संधारित्र के सिरे का विभवांतर भी सी, सब पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सब में समान धारा तो जाएगी लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, ओमीय प्रतिरोध। इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, इसमें प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात यक्स सी। तो इसके बारे में लिख देते हैं, माना एल सी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ के सिरों का विभवांतर भी है। टोटल जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट के सिरे का विभवांतर भी है। परिपथ में बहने वाली धारा आई है, आई करंट फ्लो कर रही है। प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी आर तथा धारा आई समान कला में होंगे। आपको बताया गया है प्रतिरोध के अंदर धारा और उसके सिरे का विभवांतर भी आर दोनों समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर भी एल तथा धारा आई भी एल धारा, प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर भी एल धारा आई से
कला में पाई वाई टू अग्र गामी लीडिंग होता है, लीडिंग होता है। और संधारित्र के सिरे का विभवांतर भीसी धारा आई से कला में पाई वाई टू पश्चगामी होता है। इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर वी आर बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई और वी आर दोनों किस कला में हैं, समान कला में हैं, और वी एल धारा आई से कला में पाई बाई टू अग्रगामी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी एल इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पर एल है और ए सी है, संधारित्र सी के सिरे का विभवांतर वी सी इस धारा आई से कला में पाई बाई टू पश्चगामी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी सी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये लिखने का तरीका। ये दिखा रहा है आई और वी आर दोनों समान कला में हैं, आई और वी एल के बीच का कलांतर पाई बाई टू है, और वी एल पाई बाई टू अग्रगामी लीडिंग कर रहा है, और आई और वी सी के बीच का कलांतर पाई बाई टू, और इसमें वी सी पाई बाई टू क्या कर रही है, लैगिंग कर रही है। तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, तो अगर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धारा आई है, तो इसी डायरेक्शन में होगा वी आर, क्यों, क्योंकि दोनों किस कला में हैं, समान कला में हैं, और ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये कहलाएगा वी एल, वी एल, क्यों, क्योंकि वी एल धारा आई से कला में पाई बाई टू अग्रगामी है, अग्रगामी आगे है। और वी सी की बात करें तो वी सी को दिखा देंगे ऐसे नीचे की तरफ, यह है वी सी, यह पाई बाई टू पश्चगामी है, ऐसे पश्चगामी है। तो ये इसका रहा फेजर डायग्राम, वी आर वी सी और वी एल। हमें चाहिए इसका रियल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, परिणामी विभवांतर कितना होगा। तो रियल्टेंट के लिए देखिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वी एल, यहाँ पर वी एल इज अ ग्रेटर देन वी सी है, हम मान लेते हैं ऐसे। तो वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है, तो वी एल और वी सी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, तो हम मानते हैं कि यहाँ तक आता है ऐसे, यह है वी एल माइनस वी सी, इन दोनों का वी एल और वी सी का जो है परिणाम जो है आ गया वी एल माइनस वी सी, और यहाँ वी एल माइनस वी सी से वी आर के बीच का एंगल जो है पाई बाई टू है। अगर हम एक पैरेललोग्राम ऐसे यहाँ पर बना दें, तो इसका जो परिणामी होगा ऐसे यह होगा, यह कहलाएगा भी। अब परिणामी भी जो है, यह जो है 90 डिग्री है, परिणामी भी जो है भी आर से किसी कोण पे है, फाई डिग्री ये होगा, भी और भी आर के बीच का एंगल फाई डिग्री है, या आई के बीच का। तो परिणामी विभवांतर भी कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे परिपथ का परिणामी रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी इक्वल टू, देखिए परिणामी भी इक्वल टू, यह है हमारा वी एल माइनस वी सी और ये है वी आर, तो लिखेंगे ऐसे वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरम थ्योरम लगा देंगे, देख लीजिए ऐसे, या हम जानते हैं परिणामी आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कास थीटा। तो कास थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा जो है यहाँ पर कई डिग्री है, 90 डिग्री है, कास 90 का मतलब लास्ट टर्म जीरो हो जाता है, तो अंडर रूट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वी एल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम
वी एल इज इक्वल टू होता है आई एक्स एल, ओम के नियम से वी बराबर आई आर, तो वी एल है, वी एल बराबर क्या होगा आई एक्स एल, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको एक्स एल लिखते हैं, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको एक्स सी लिखते हैं, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसे आर लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा वी सी बराबर आई एक्स सी, और यहाँ हो जाएगा वी आर बराबर आई आर। इसकी वैल्यू अगर पुट किया जाए, परिणामी विभवांतर भी है, तो आएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले वी आर लिख दे रहे हैं, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल के जगह पर आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें से आई कामन लेंगे, आई आई जब कामन होगा तो बाहर आएगा तो आई स्क्वायर, अब फिर आई स्क्वायर कामन लेंगे बाहर तो हो जाएगा आई, तो वी इज इक्वल टू आई बाहर हो गया और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ऐसे वी बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और ओम के नियम से वी बाई आई क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध किसका है, पूरे पूरे इस सर्किट का परिपथ का है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से वी बाई आई परिपथ का प्रतिरोध है, परंतु यह प्रतिरोध आर एल सी के कारण है, इसलिए इसे परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको लिखते हैं कैपिटल जेड से, तो परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और याद करिए फिर से, जहां जेड बराबर क्या है, वी बाई आई है, इसको लिख सकते हैं वी जीरो अपान आई जीरो, इसको लिख सकते हैं वी आर एम एस अपान आई आर एम एस, या यह लिख सकते हैं एक फार्मूला और, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के जगह पर ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। विभवांतर भी परिणामी विभवांतर भी तथा धारा आई के बीच का कलांतर फाई हो तो, ये हमारा परिणामी विभवांतर भी है और इधर धारा आई है, इनके बीच का कलांतर अगर फाई है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर टैन फाई इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी और इसका बेस है वी आर, तो वी एल बराबर होता है आई एक्स एल, वी सी बराबर होता है आई एक्स सी, वी आर बराबर होता है आई आर, ऊपर आई कामन हो जाए तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आई आर, और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और वन अपान ओमेगा सी बाई आर, इतना होता है, या इसको लिख सकते हैं ऐसे फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी बाई आर, ये कहलाता है यहाँ पर विभवांतर भी और धारा आई के बीच का कलांतर। अब ये फाई की जो वैल्यू है यह एल पर भी डिपेंड करती है, सी पर डिपेंड करती है और आर पर डिपेंड करती है, तीनों पे डिपेंड करती है,
तो इसमें देखते हैं कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पर कलांतर फाई का मान आर एल व सी पर निर्भर करता है, या यक्स एल यक्स सी यक्स आर पर निर्भर करता है, या ओमेगा एल सी आर पर निर्भर करता है। ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, तो आर एल सी पर निर्भर करता है। तो इसमें तीन कंडीशन हो सकते हैं। तीन कंडीशन कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। नंबर एक, यदि यक्स एल इज ग्रेटर देन यक्स सी, यक्स एल इज ग्रेटर देन यक्स सी, यानी यक्स एल बड़ा हो यक्स सी छोटा हो, उस कंडीशन में क्या होगा? उस समय यानी वी एल बड़ा है बी सी छोटा है तो ऊपर जाएगा, तो परिणामी विभवांतर भी धारा I से कला में पाई बाई टू क्या होगा? अग्रगामी होगा। ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे यह है I और यह है वी एल माइनस वी सी, तो परिणामी यही होगा भी, यानी फाई जो है कह सकते हैं धारा I से भी क्या है? अग्रगामी है। तो लिखेंगे यदि यक्स एल इज ग्रेटर देन यक्स सी तो भी धारा I से कला में फाई अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। नंबर दो देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर दो, यदि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, ऐसे समझिए यह आई है यह एक्स एल है और नीचे मान लीजिए एक्स सी है, वी एल कर दे रहे हैं, वी एल है वी सी है, यानी वी सी बड़ा है और वी एल छोटा है तो नीचे की तरफ आएगा परिणामी, और परिणामी भी जो है यह होगा और एक कलांतर क्या होगा? फाई। तो कहेंगे इस स्थिति में विभवांतर भी धारा आई से कला में पाई बाई टू क्या होगा? पश्चगामी होगा। तो लिखेंगे तो भी धारा आई से कला में फाई पश्चगामी होगा। वी सी बड़ा है वी एल छोटा है तो नीचे की तरफ आएगा, भी नीचे की तरफ आएगा, वी सी माइनस वी एल हो जाएगा। अब वी सी माइनस वी एल और वी आर का परिणामी भी इधर होगा, यानी आई से भी क्या हो गया? पाई। फाई क्या होगा? पश्चगामी, पीछे हो गया। एक कंडीशन और हो सकता है, नंबर तीन। नंबर तीन क्या हो सकता है? एक्स एल बराबर एक्स सी हो सकता है, एक्स एल बराबर एक्स सी। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए एक्स एल बराबर एक्स सी, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो, एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो हो जाएगा, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर आर, जेड बराबर आर हो गया, यानी परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। इतना ना कम हो गया? देखिए यहाँ पर होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इतना कम हो गया, यानी परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो गई? कम हो गई। अब परिपथ की प्रतिबाधा कम होगी तो धारा का मान क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, अतः परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू होगा वी बाई जेड। जेड बराबर होता है वी बाई आई, तो I बराबर वी बाई, यह न्यूनतम होगी तो I का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अतः परिपथ में बहने वाली धारा I महत्तम होगा। इस स्थिति को इस स्थिति को वैद्युत
अनुनाद की स्थिति कहते हैं, वैद्युत अनुनाद। यानी वैद्युत अनुनाद कब होगा कह सकते हैं, जब परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ में लगे प्रतिरोध के क्या हो, बराबर हो। या कह सकते हैं जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो। अनुनाद की स्थिति में वैद्युत अनुनाद की स्थिति में एक्स एल बराबर एक्स सी ब्रैकेट में ली सकते हैं, या जेड बराबर क्या होता है आर। तो एक्स एल बराबर एक्स सी, एक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर होता है वन बाई ओमेगा सी, या ओमेगा स्क्वायर बराबर वन अपान एल सी, या ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन बाई एल सी, ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ अंडर रूट वन बाई एल सी, तो हो जाएगा एफ बराबर वन अपान टू पाई अंडर रूट वन अपान एल सी। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में उत्पन्न आवृत्ति, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में उत्पन्न आवृत्ति कहते हैं। इस स्थिति में भी लिख सकते हैं, इस स्थिति में धारा आई तथा विभवांतर भी दोनों समान कला में होते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में परिणामी विभवांतर भी और धारा आई के बीच का कलांतर जीरो होगा। देख सकते हैं यहाँ से टेन फाइव बराबर बताया गया है आपको एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, और एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर होता है तो यह हो जाएगा जीरो बाई आर बराबर जीरो। तो यहाँ से टेन फाइव इक्वल टू टेन जीरो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो। यानी भी और आई के बीच का एंगल जीरो है, इसका मतलब दोनों के बीच का कलांतर क्या होगा शून्य होगा। और परिपथ की का शक्ति गुणांक देखिए, एक लाइन में देख लीजिए, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को लिखते हैं कास फाई, और कास फाई बराबर होता है आर बाई जेड। तो कास फाई इक्वल टू आर बाई, और जेड की वैल्यू आपको बताया गया है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे शक्ति गुणांक, परिपथ का पावर फैक्टर जो है निकाल लेंगे।